नमस्कार, दूरदर्शन खबरों च आप सब का स्वागत। मैं हाँ जतेंद्र सिंह। पहला पेश ने चुनवी खबर। निर्भया समूहिक बलात्कार ते हत्या मामले के चारे मुजरिमों अज सवेरे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। प्रधानमंत्री ने निर्भया जबर जना ते हत्या के दोषियों को मिली फांसी की सज़ा न्याय की जित दसिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निर्भया मामले बारे कहा कि कोई भी मुजरिम कानून के शिकंजे तो बच नहीं सकता। निर्भया मामले के चारों मुजरिमों दी लाशां दीनदयाल उपाध्याय हस्पताल में पोस्टमार्टम मगरों अंतिम संस्कार लई परिवारों के मैंबरों नूं सौंप दित्तियां गईआं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ वल्लों अज होण वाले फ्लोर टैसट तो पहलां राजपाल नूं अपना अस्तीफा सौंप दिता गया। राजपाल ने कमलनाथ का अस्तीफा मंजूर करदिआं उन्हां नूं नवें मुख्यमंत्री के आउण तक कार्यकारी मुख्यमंत्री वजों बने रहण लई कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को कोरोना वायरस का टाकरा करने लई संकल्प अते संजम नाल चलण की अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को 22 मार्च वाले दिन सवेरे 7 बजे तो रात 9 बजे तक जनता करफ्यू लागू करन दा दिता सद्दा। नरेंद्र मोदी ने लोगों को खाण पीण अते होर जरूरी समान इकट्ठा करन दी होड़ तो गुरेज करन लई कहा। भारत विच कोरोना वायरस नाल प्रभावित लोगों की गिणती 223 तक पुजी। देश के दे बाकी हिस्सों वांग पंजाब विच भी कोरोना वायरस नाल निजिठण लई व्यापक तैयारियां। ते ओलंपिक मशाल अज जापान पुजी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। निर्भया समूहिक बलात्कार अते हत्या मामले के चार दोषियों नूं अज सवेरे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फाहे लगा दिता गया। मुजरिम पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय सिंह अते मुकेश सिंह नूं अज सवेरे 5:30 बजे तय समय से फांसी ते चढ़ा दिता गया। इन्हां चारां नूं सारे ही अदालती उपा करन तो बाद फांसी दित्ती गई। दिल्ली हाई कोर्ट अते सुप्रीम कोर्ट ने बीती रात इन्हां चारां दी फांसी तो बचण लई अंतिम कोशिश वजों पटीशन रद्द कीती, जिस नाल तय समय अनुसार तड़के फांसी देण दा राह पधरा होया। पैरामेडिकल दी एक विद्यार्थन नाल 16 दसंबर 2012 दी रात दक्षण पछमी दिल्ली विच एक चलदी बस विच 6 व्यक्तियों वल्लों समूहिक बलात्कार कीता गया अते बड़े ही घिनौने ते शर्मसार ढंग नाल उस नाल कुटमार कीती गई अते उस नूं चलदी बस चों सड़क ते सुट दित्ता गया। इस घटना ने सारे देश नूं हिला के रख दिता। यह लड़की आखिरी समय तक बड़ी बहादुरी नाल मौत नाल लड़दी रही, पर अंत उसने सिंगापुर के एक हस्पताल विच दम तोड़ दिता। इस लड़की की बहादुरी करके ही उसनू निर्भया का नाँ दिता गया। निर्भया के 6 दोषियों विचों एक दोषी नाबालग होण करके 3 साल सुधार घर विच गुजारन तो बाद रिहा कर दिता गया, जबकि एक होर दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल विच कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। चार दोषियों ने फांसी की सज़ा तो बचण लई हर पैंतड़ा खेडिया, पर आखिरकार न्याय की जित हुई। निर्भया के दोषियों नूं फाहे लगाए जाण तो बाद निर्भया के मापिया ने कहा कि इस सज़ा नाल भविख विच वी अपराधियों नूं अजिहा कारा करन तो रोकण विच मदद मिलेगी। उन्हां निर्भया नूं अते देश भर विच लखां महिलावां नूं न्याय देण लई भारतीय न्याय प्रणाली का धन्नवाद किया। निर्भया की माँ आशा कुमारी ने कहा कि आखिरकार न्याय की जित हुई है। फाइनली उनको फांसी पे लटका दिया गया है। ये आज 7 साल का संघर्ष था। ये पहली बार है जो 4 मुजरिमों को फांसी पर लटकाया गया है। ये पहली बार है कि एक देश में बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ था, आज पहली बार उसको इंसाफ मिला। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने जुडिशरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत को यकीनी बनाने के लिए न्याय सब तो जरूरी है। निर्भया केस का जिक्र किए बगैर प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि साड़ी नारी शक्ति ने हर खेत्र में बेहतर काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि अज असी इस तरह के राष्ट्र की सिरजना करनी है जिथे महिला शक्तिकरण से जोर होवे अते समानता अते बराबर मौके अनुसार चलिया जाए। महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अज निर्भया के दोषियों को फांसी से चढ़ाए जाने अपराधियों को एक तकड़ा सुनेहा जाएगा कि वह कानून तो बच नहीं सकते। स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने निर्भया की मां नूं सालां बद्धी संघर्ष करदिआं वेख्या, भावें सज़ा नूं समां लग्गिया पर अंत न्याय की जित हुई। उन्होंने कहा कि अपराधी कानून तो भज तां सकदा है पर बच नहीं सकदा। उन्होंने इस गल की बहुत खुशी है कि आखिरकार न्याय होया। मैंने वर्षों से एक माँ का संघर्ष देखा है अपनी बेटी के लिए, न्याय के लिए। आज सुबह वो आशा के लिए नई आशा लेकर आई
कि भले ही इंसाफ होने में देर लगी लेकिन अंतोगत्वा इंसाफ हुआ, ये संदेश है देश में हर। अपनी प्रतिक्रिया विच दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अज दे दिन सानू सारयां नू संकल्प लेना चाहिदा है कि निर्भया वर्गी वारदात मुड़ ना होण दित्ती जावे। उन्हां कहा कि पुलिस अदालतां सूबियां अते केंद्र सरकार नू न्याय देण दी प्रणाली विच कमियां पेशियां नू दूर करन लई सांझे तौर ते संकल्प करना चाहिदा है तां जो अजिहा भविख विच किसे दी धी नाल ना वापरे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस गल ते तसली प्रगट की कि इन्नी ज़्यादा तकलीफ चों गुजरन तो बाद आखिर देश की एक बेटी नाल न्याय होया। उन्होंने कहा कि भारत की जुडिशरी अते सरकार नू आत्म पड़चोल करनी चाहिए अते इस गल नू यकीनी बनाना चाहिए है कि मौत की सज़ा याफ्ता मुजरिमां नू इस तरह 7 साल तक सिस्टम नू तोड़ मरोड़न की इजाजत ना दिती जावे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार की वागडोर संभालण तो कोई 15 महीने बाद अज अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। उन्हों का यह अस्तीफा सुप्रीम कोर्ट वालों बहुमत साबित करने के निर्देश के एक दिन बाद दिता गया। सुप्रीम कोर्ट ने कल मध्य प्रदेश विधानसभा के 22 बागी विधानकारा वालों अस्तीफे देने तो बाद कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार नूं अज विधानसभा विच बहुमत साबित करने लई कहा गया सी। अज दोपहर उन्हां फ्लोर टैसट तो पहला ही अपने अस्तीफे का ऐलान कर दिता अते भोपाल विच राजभवन विखे पहुँच के अपना अस्तीफा राजपाल लालजी टंडन नूं सौंप दिता। अपने अस्तीफे विच कमलनाथ ने लिखिया है कि उन्हां अपने 40 वर्यां की जनतक जिंदगी विच साफ सुथरी राजनीति की है अते लोकतंत्री असूलों की कदर की अते इस नूं तरजीह दित्ती, पर जो कुछ पिछले 2 हफ्तों दौरान वापरिया वह लोकतंत्री कदरां कीमतां दे घाण दा एक नवां अध्याय सी। कमलनाथ ने सूबे विच बनने वाले नवें मुख्यमंत्री नूं भी वधाई दित्ती। उन्हां कहा कि वह सूबे दे विकास लई नवें मुख्यमंत्री नूं सहयोग देणगे। रस्मी तौर पर राजपाल नूं अस्तीफा सौंपण तो पहलां कीती गई प्रैस कॉन्फ्रेंस विच कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी ते उन्हां दी सरकार विरुद्ध साजिश करके लोकतंत्री कदरां कीमतां दी हत्या करन दा इल्जाम लगाया। उन्हां साबका कांग्रेसी आगू ज्योतिरादित्य सिंधिया नूं भी सूबे दे मौजूदा सियासी संकट लई जिम्मेवार दस्सिया। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने उन्हां वल्लों कीते गए जनता मुखी कम्मां नूं पसंद नहीं किया ते भाजपा उन्हां विरुद्ध साजिश करती रही। उधर भोपाल विच राजभवन दे सूत्रां ने दस्सिया है कि राजपाल ने कमलनाथ का अस्तीफा मंजूर कर लिया है अते उन्हां नूं नवां मुख्यमंत्री थापे जाण तक केयरटेकर मुख्यमंत्री वजों बने रहण लई आख्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दे नागरिकां नूं विश्व महामारी कोरोना दे टाकरे लई एकजुट हो के यतन करन अते इस नूं मात देण दी अपील कीती है। बीती रात देशवासियों अपने सुनेहे विच प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वेले अवेसले होण दा समां नहीं है। उन्हां सारयां नूं संकल्प अते संजम नाल काम करन दी अपील कीती। उन्हां कोरोना वायरस दे टाकरे लई सूबा सरकारां नूं भी इस पासे वल जनता नूं जागरूक करन दी अपील कीती। प्रधानमंत्री ने कहा कि असीं संकल्प अते संजम नाल कोरोना वायरस नूं हरा सकदे हां। प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात समाजिक दूरी बनाए रखण दी सारयां नूं अपील कीती। उन्हां कारोबारी अते बिजनेस नाल जुड़े लोकां नूं मानवता दीआं कदरां कीमतां दी पालणा करन दी वी जोरदार अपील करदिआं कहा कि जे उन्हां हेठ काम करन वाले कुछ समां काम ते नहीं आउंदे तां उन्हां दी तनखाह ना कट्टी जावे। प्रधानमंत्री ने लोगों को घबराहट विच खाण पीण अते जरूरी समान दीआं चीज़ां जमा करन तों गुरेज़ करन दी अपील कीती। उन्हां कहा कि देशवासी अजिही होड़ विच ना पैण। प्रधानमंत्री ने 60 तों 65 साल दे बजुर्गां नूं कुछ हफ्तिआं लई घरों बिल्कुल ना निकलण दी सलाह दित्ती। उन्हां दफ्तरां विच काम करन वाले लोगों नूं जित्थों तक संभव होवे अपने घरां तों ही काम करन लई कहा। प्रधानमंत्री ने लोगों नूं जित्थों तक हो सके अपने घरां तों बाहर ना निकलण लई कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह कुछ हफ्तों लई देशवासियों तों सहयोग मंगदे ने अते उन्हां नूं उम्मीद है कि वह उन्हां नूं निराश नहीं करनगे। प्रधानमंत्री ने देश की जनता नूं आउंदे ऐतवार 22 मार्च वाले दिन सवेरे 7 बजे तों रात 9 बजे तक जनता करफ्यू यानी जनता वल्लों आपे ही बाहर ना निकलण दा संकल्प लैण लई कहा। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें।
हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। पंजाब दे लोकां ने 22 मार्च नूं ऐतवार वाले दिन प्रधानमंत्री दे जनता करफ्यू दे सद्दे दा स्वागत करदिआं इस नूं शलाघायोग कदम दस्सिआ है। उन्हां दा कहिणा है कि जे लोक सहयोग देणगे तां कोरोना वायरस वर्गी महामारी तों बचिआ जा सकेगा। भारत विच कोरोना वायरस नाल प्रभावित लोगों की गिणती 223 तक पहुँच गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के अधिकारियों वालों आज नवी दिल्ली विच प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इस बारे जानकारी दी गई। उन्होंने दसिया कि देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों के संपर्क में आने वाले कोई 6,700 लोगों की निगरानी की जा रही है। कोरोना वायरस कारण देश विच 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। सारे मृतकों की उम्र 64 साल तो वध दसी जा रही है। अधिकारियों ने दसिया कि इस वेले विश्व के 160 मुल्क कोरोना वायरस नाल प्रभावित ने। उन्होंने दसिया कि सरकार वालों कोरोना वायरस तो बचा लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने लोगों को समाजिक तौर पर दूरी बना के रखने की सलाह दी, किसी भी तरह की जानकारी लिए टोल फ्री नंबर 1075 की वरतों करन दी अपील की। सेहत मंत्रालय अनुसार सूबे में कोरोना वायरस नाल नजिठण लई समर्था वधाउण लई केंद्रीय टीमों को भेजा गया है। अभी तक 206 टोटल पॉजिटिव केस कंफर्म केस इस देश में आए हैं और 6,700 के करीब, बल्कि उससे ज़्यादा नंबर पर हम उनके कॉन्टैक्ट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। 4 डेथ हुई थी। इसमें एक मुख्य अंश ये है कि जितनी भी ये डेथ्स हुई हैं इनमें 64 साल प्लस और कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि उनको उससे के अलावा भी ऑलरेडी कुछ बीमारियाँ थी जिसके कारण से वे वल्नरेबल थे और उनको हमें मतलब बड़े दुख के रूप में कहना पड़ेगा कि हमें उन्हें खोया। इसे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आउंदे ऐतवार जनता करफ्यू के मद्देनज़र दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन प्रशासन वालों मैट्रो सेवावां बंद रखने का ऐलान किया गया है। मैट्रो कारपोरेशन ने दसिया है कि इसका मकसद लोगों को घरों के अंदर रहन अते समाजिक तौर पर दूरी बनाए रखने लिए उत्साहित करना है, जो कोरोना वायरस कोविड-19 के टाकरे लिए बहुत लाजमी है। देश के नागरिकों वालों कोरोना वायरस बारे किसी भी तरह के सवालों के जवाब लई सरकार ने एक वट्सएप चैटबोट शुरू किया है। कौमी दवासाजी कीमतों अथॉरिटी ने कहा है कि इस चैटबोट का नाँ MyGOV कोरोना हैल्प डैस्क है। अथॉरिटी अनुसार लोग एक फोन नंबर 9031315115 अपने वट्सएप से सेव कर सकते हैं, तो उन्होंने कोरोना संबंधी सवालों का जवाब मिलता रहेगा। देश भर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे केसों के मद्देनज़र पंजाब सरकार वालों भी जिथे वड्डे पद्धर से कोरोना फैलन तो रोकने लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, उत्थे लोगों इस बारे जागरूक करने लिए भी उपराले जारी ने। रूपनगर जिला प्रशासन वालों भी पूरी सावधानी वरतण के नाल नाल वख-वख ढंग तरीकों नाल लोगों जागरूक किया जा रहा है। जिले के कोई 1,45,000 घरों में कोरोना वायरस बारे लोगों सुचेत करने लिए मुहिम विढ़ी गई है। सेहत विभाग दी टीमां जिला पद्धर के नाल नाल ब्लॉक पद्धर और पिंड पद्धर से जागरूकता मुहिम चला रही ने। जिला प्रशासन वालों 25 मार्च तक हर घर को जागरूक करने का टीचा मिथ्या गया है। प्रशासन वालों किसी भी तरह की सहायता लिए लोगों लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिथों वो कोरोना वायरस बारे किसी भी तरह की मदद हासिल कर सकते हैं। ये फोन नंबर है 01881227243। रूपनगर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर HN शर्मा ने प्रसार भारती दसिया कि जिले में हुण तक 5 मरीजों के सैंपल जांच लिए भेजे गए हैं, जिन्हां विचों 3 की रिपोर्ट नैगेटिव आई है। उन्होंने दसिया कि सेहत विभाग का स्टाफ घरों घरी जा के बुखार खांसी और जुकाम तो पीड़ित लोगों की पछाण कर रहा है। सिविल सर्जन ने यह भी दसिया कि विभाग वालों वख-वख सरकारी हस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं। इस दे नाल ही सारे हस्पतालों में फ्लू कॉर्नर स्थापित किए गए हैं, ताकि हस्पतालों में आने वाले शक्की मरीजों को सलाह दी जा सके। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਮਹਿਕਮੇ। उधर मोगा विच भी कोरोना वायरस के खदशे के मद्देनज़र व्यापक पद्धर से इंतजाम किए जा रहे हैं। मोगा हल्के के विधानकार डॉक्टर हरजोत कमल ने अज सवेरे मोगा के सरकारी हस्पताल का अचनचेत दौरा किया। उन्होंने इतने तैयार किए गए आइसोलेशन वार्ड में देखा और हंगामी हालात नाल नजिठण लई सेहत प्रशासन वालों किए गए इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने जिला हस्पताल के डिप्टी मैडिकल अफसर
SMO ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਨੇਰ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਲੰਡੇਕੇ ਅਤੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਦੋ ਦੋ ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, 6 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਵੁਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ 75 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਮਸ਼ਾਲ ਅੱਜ ਜਪਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮਾਤਸੂਸ਼ੀਮਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਗਮ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਗਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ 200 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਮਸ਼ਾਲ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜੇਵਿਲਜ਼ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।